मैं जानू उमर शेख पब्लिक न्यूज चैनल से। आज थाना के अंदर एक हादसा हुआ है, हादसा होते होते बच गया कहा जा रहा है, अभी तक कोई दुर्घटना की खबर नहीं आई है। थाना के अंदर कौरम मॉल के अंदर एक जो है तेंदुआ, एक शेर जो है घुसाया और उसको पार्किंग में कौरम मॉल के अंदर देखा गया और उसके बाद वो दिखा नहीं। फिर जो है एक वन विभाग वाले कुछ कर्मचारी आए, पुलिस आई है और काफ़ी फायर ब्रिगेड वाले आए, काफ़ी लोग आए हैं उसके ऊपर, मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो तेंदुआ, जैसे आप देख सकते हो कि ये कौरम मॉल के पार्किंग में घूम रहा है, सीसीटीवी कैमरा में आया है। और फिर उसके बाद जब उस मतलब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया गया है तो वहाँ से निकल के वो सत्कार होटल है वहाँ पे, वहाँ के मतलब सत्कार होटल में घुस गया है। तो इस वक्त जो है वहाँ पे मतलब वन विभाग वाले भी और पुलिस भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हाँ कोई हादसा वो ना करे या ना हो पाए। लेकिन ये सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कि ये तेंदुआ आया कहाँ से? ये तेंदुआ एक बम वन विभाग के जंगल से आया है, जो नेहुर का जंगल जो है थाना में नज़दीक है, जो नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। और आज यही वजह है, मैंने इसके पहले भी एक न्यूज़ में दिखाया था, जो आर्य कॉलोनी के अंदर एक हादसा हुआ था कि एक मतलब रोड के ऊपर जो है तेंदुआ एक आदमी को ऐसे मतलब दिन दहाड़े काट दिया था। तो मैंने आर्य कॉलोनी का दिखाया था कि इतना बड़ा जंगल काट के और वहाँ पे एक कारशीट बनाया जा रहा है मेट्रो का। तो ये जो है ये बहुत बड़ी एक बात है जो मतलब अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि हम जंगल काट काट के और जंगल काट के हम बड़े बड़े दिग्गज लोगों को, उद्योगपतियों को हम दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कहीं ध्यान नहीं दे रही है। और आज तो फिर ये जानवर जाएंगे कहाँ से, ये पक्षी जाएंगे कहाँ पे? ये जाहिर सी बात है कि इनको जब जंगल में जगह नहीं मिलेगा तो हमारे रिहायशी इलाके में घुस जाएंगे वो, और हमको और आपको और आपके बच्चों को सबको नुकसान पहुँचाएंगे। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए नमस्कार।